हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं या लॉन्ग क्रिएटर हैं, पहले तो दोस्तों आप यहां पर जो खुश हो जाइए। अगर दोस्तों आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, आपकी शॉर्ट वीडियोस पर 0 व्यूज आता है, 1K 2K आता है, 100 200 500 पर रुक जाते हैं, मतलब व्यूज की समस्या है। अगर आप एक लॉन्ग क्रिएटर हैं तो आपके 0 व्यूज आते हैं, 4 से 5 व्यूज आते हैं, मतलब शॉर्ट क्रिएटर हैं या लॉन्ग क्रिएटर हैं, आपकी जो समस्या है वो व्यूज को लेकर है। तो यार कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है वो यहां पर यूट्यूब दूर करने वाला है। यूट्यूब के अंदर दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा कमाल का यहां पर अपडेट दिया गया है, वो सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगे। अब आपको ना तो दोस्तों यहां पर जो YouTube एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, YouTube एप्लीकेशन बोल रहा हूं, ना ही आपको बाइटी स्टूडियो क्रोम के अंदर जाना है, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको जो है अपडेट है ना वो बाइटी स्टूडियो ऐप के अंदर दिया गया है। अब सारी चीज आपको बताने वाले हैं, क्या अपडेट है, कैसे आपको व्यूज में फायदा होगा, कैसे आपका व्यूज बढ़ने वाला है। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं या पुराने क्रिएटर हैं, आपका व्यूज वगैरह नहीं आता है, तो यार थोड़ा सा आपको जो है ना फायदा यहां पर होने वाला है। वो फायदा कैसे उठाना है उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और अपडेट क्या है सारा कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर देरी क्यों करते हैं, यहां पर जो वीडियो है वो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, आपका कोई नया चैनल है, तो आपकी शॉर्ट वीडियोस पर कभी कभी 0 व्यूज आता है, कभी 100 200 500 पर अटक जाता है, कभी कभी 1K 2K पर अटक जाता है, मतलब आपका शॉर्ट्स यहां पर वायरल नहीं होता है। अगर आप एक लॉन्ग क्रिएटर है, लॉन्ग वीडियोज बनाते हैं, बड़ी वीडियोज बनाते हैं, तो 0 व्यूज आता है। ये प्रॉब्लम कॉमन है, ये बनी रहती है नए क्रिएटर के साथ में, 4 से 5 व्यूज पर अटक जाता है, आगे वीडियो चलता ही नहीं है। तो यार ये ना प्रॉब्लम है आपकी कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। आपकी वीडियो अब दोस्तों डायरेक्टली यूट्यूब के एल्गोरिथम में सेट होगी। अब आपका सारा झंझट खत्म कर दिया है दोस्तों यहां पर। पहले आप क्या करते थे, वीडियो को अपलोड करने के टाइम में आप किस चीज का इस्तेमाल करते थे, YouTube एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। वहां पर आप YouTube एप्लीकेशन से वीडियो को अपलोड करते थे, जहां पर चेकिंग में YouTube काफी समय लेता था। वहां पर YouTube से आपने अपलोड किया, उसके बाद आप अपने बाइटी स्टूडियो के अंदर आते हैं, वहां पर सारी चीजें देखनी पड़ती थी। अब सारी ये समस्या जो यहां पर YouTube ने दूर कर दी है। ना तो आपको दोस्तों वीडियो को अपलोड करने की अब आपको जो YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ना ही दोस्तों आपको वीडियो को अपलोड करने के लिए अब आपको जो है बाइटी स्टूडियो क्रोम के अंदर जाना है। अब अपडेट क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आपकी समस्या व्यूज को लेकर है, यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारी चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आप देखिए अपडेट क्या आया है। मैं यहां पर बाइटी स्टूडियो का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। YouTube का नया अपडेट है जो कि बाइटी स्टूडियो के अंदर दिया गया है, बाइटी स्टूडियो ऐप के अंदर दिया गया है। यहां पर दोस्तों आप देखिए मैंने अपना ही शॉर्ट चैनल ओपन करके रखा है, जिस पर दोस्तों आप देख सकते हैं 633,000 प्लस सब्सक्राइबर जो यहां पर हो चुका है। यहां पर आप देखिए दोस्तों आपको एक YouTube स्टूडियो को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको एक नया आइकन देखने के लिए मिलेगा, वो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं किस चीज का है, प्लस वाला आइकन बना हुआ है। अब इससे क्या फायदा होगा ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, इससे व्यूज में कैसे आपको बेनिफिट होगा ये थोड़ा सा यहां पर सुन लीजिए। अब यहां से होने क्या वाला है, अब दोस्तों आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली YouTube स्टूडियो के अंदर जो है अपलोड कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर YouTube ने सॉल्व कर दी है। पहले आप YouTube एप्लीकेशन से अपलोड करते थे, वहां पर चेकिंग में ये करो, टाइटल डालो, थंबनेल लगाओ, ये बहुत सारा झंझट होता था। फिर बाइटी स्टूडियो के अंदर आओ, वहां पर कस्टमाइज करो वीडियो को, सारा झंझट दोस्तों खत्म कर दिया YouTube ने। या हम YouTube स्टूडियो क्रोम से अपलोड करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, बाइटी स्टूडियो के अंदर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, वहां से डायरेक्टली आपको YouTube का जो भी आपका वीडियो है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, वो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया है, ना तो मुझे नेक्स्ट करना पड़ा, डायरेक्टली बाइटी स्टूडियो के एल्गोरिथम के अंदर आ गया, डायरेक्टली दोस्तों आ गया, ना मुझे नेक्स्ट करना पड़ा, ना मुझे चेक करना पड़ा, ना मुझे कच करना पड़ा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर जो नॉर्मल टाइटल डाल दूंगा, ठीक है मैं यहां पर डाल देता हूं चंपा चाइनीज वीडियो, वैसे मैं डाल देता हूं, मैं कल इसको जो कस्टमाइज कर दूंगा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर नॉर्मली एक हैशटैग लगा दूंगा, हैशटैग शॉर्ट्स भी लगा सकता हूं, मैं कुछ भी लगा सकता हूं। इस तरह से आपको जो है बाइटी स्टूडियो के अंदर यूट्यूब वीडियोज को अपलोड करने का एक ऑप्शन दिया गया है, जो डायरेक्टली यूट्यूब के एल्गोरिथम में आपकी जो वीडियो वो यहां पर सेट होने वाली है। इससे आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर रीच बढ़ेगा, आपका जो व्यूज का समस्या है कहीं ना कहीं यहां पर जो दूर होने वाला है। मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूं, अभी वीडियो को छोड़िएगा मत। यहां पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा शेड्यूल में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अभी 8 तारीख है, 9 तारीख में मैं यहां पर 6 बजे का करीब मैं जो है इसको मैं पब्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर शेड्यूल में लगा दिया है। उसके बाद हमें ना तो यार इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन डालना है, ना ही हमें इसके अंदर टैग डालना है, YouTube जो बताता है वही हमें काम करना है। उसके बाद मैं कमेंट को यहां पर अलाउ करूंगा और मैंने जो है शेड्यूल पर जो वीडियो को जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देख सकते हैं यहां पर डायरेक्टली मुझे YouTube ने स्टूडियो के अंदर शॉर्ट्स के अंदर जो है यहां पर ट्रांसफर कर दिया है और मेरा जो वीडियो है वो दोस्तों यहां पर अपलोड हो भी चुका है। ये देखिए चेकिंग स्टार्ट हो चुका है और मेरा जो वीडियो है वो यहां पर अपलोड हो गया है। अभी थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ी देर में यहां पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा
कंप्लीटली अपलोड हो जाएगा और सारी चीजें अब स्टूडियो के अंदर आपको जो है दिखने वाली है, सारी चीजें आपकी स्टूडियो के अंदर होने वाली है। अब हमें बार बार जो है यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, ना हमें क्रोम के अंदर जाना है, बाईटी स्टूडियो के अंदर। अब सारी चीजें आपकी यहीं से जो है मैनेज होने वाली है। एक और अपडेट मैं आपको बताता हूं, तब तक यहां पर ये चेक होता है। यहां पर आप अपने बाईटी स्टूडियो को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग है नवंबर, वी आर सिंप्लीफाइंग एड कंट्रोल प्री रोल मिड रोल। मैं आपको बताता हूं नवंबर से आपके जो प्री रोल एंड पोस्ट रोल स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स एक्सटेंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड ऑप्टिमाइज क्रिएटर अर्निंग को लेकर जो है एड वगैरह जो आपका बंद होने वाला है, तो आपको ये जो अपडेट है वो दिख रहा होगा अपने बाईटी स्टूडियो, इसको यहां पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा लर्न मोड पर जाकर। तो नवंबर से स्टार्ट होने वाला है एड को लेकर, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आपके एड वगैरह जो यहां पर बंद होने वाले हैं और सारी चीज मैंने उसके अंदर डिटेल में आपको बताई थी। तो मैं दोबारा से यहां पर जो है अपने कंटेंट वाले ऑप्शन के अंदर जाऊंगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो शॉर्ट वीडियो है वो कंप्लीटली यहां पर जो अपलोड हो गया है, चेकिंग यहां पर हो गया है, अभी एड पेंडिंग में है, मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो यहां पर एड वगैरह ऑटोमेटिकली मेरा जो है यहां पर ऑन हो जाएगा। मतलब अब मुझे वीडियो को अपलोड करने की ना तो यूट्यूब को ओपन करना है, यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है, ना ही आपको मुझे यहां पर जो है बाईटी स्टूडियो क्रोम के अंदर जाना है। मेरी सारी चीजें दोस्तों अब यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सारी चीजें बाईटी स्टूडियो के अंदर यहां पर जो सारी चीजें होने वाली है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं, यहां पर जो है अभी एड पेंडिंग में है, वो मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो यार ये अपडेट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। ये अपडेट से आपको क्या फायदा होगा, आपका वीडियो डायरेक्टली एल्गोरिथम में जाएगा, सारी चीजें अब आपके बाईटी स्टूडियो के अंदर ही चेक होने वाली है। या तो आप वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करिए या डायरेक्टली पब्लिक करिए, अब सारी चीजें आप दोस्तों अपने बाईटी स्टूडियो ऐप से यहां पर जो है कर पाएंगे। जो अपडेट है मुझे काफी ज्यादा दमदार लगा है, आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं दोस्तों मुझे कमेंट करके आप जो जरूर से बताइएगा, और अगर मिल गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर, एंड बाय बाय।